अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे रसमलाई। ये रसमलाई हम ब्रेड से बनाएंगे। ये रसमलाई बनाना बहुत ही इजी है। मैंने लिया है आलमंड्स, पिस्ताचोस, कैस्यू नट्स, इन सबको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और शुगर लिया है, शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, आपको जितना स्वीट चाहिए उतना लें। और मिल्क पाउडर 3 टेबल स्पून लिया है और केसर लिया है। और ब्रेड को हम इससे कट करेंगे। और 1 लीटर दूध लिया है। 1 लीटर दूध में हम 6 से 8 ब्रेड की स्लाइसेस ले सकते हैं। अब सबसे पहले तो हम मिल्क पाउडर दूध में मिक्स करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब हम दूध को बॉईल कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे हम बॉईल करेंगे। दूध में उबाल आ चुका है, अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे एक स्पून की मदद से दूध में मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम केसर और शुगर डाल देंगे। केसर से दूध का कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम इसमें केसर डालेंगे और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, लो फ्लेम पे पकाएंगे। और साइड पे जो मलाई लग रही है उसे हम दूध में मिक्स करते जाएंगे। और दूध को हमें तब तक उबालना है जब तक दूध अपनी क्वांटिटी का आधा नहीं हो जाएगा। रस मलाई के दूध को गाढ़ा करने के लिए एक ही की होती है। दूध को उबालते टाइम दूध में साइड पे जो मलाई लगी होती है उसे दूध में मिक्स करते हैं। आप देख सकते हो दूध का कलर चेंज हो चुका है केसर डालने की वजह से, और दूध थिक भी हो चुका है। इसे हम बस सिर्फ 5 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाएगा। सो हम सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे इसमें और 5 मिनट पकाएंगे। अगर आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हो इसमें, बट मैं स्किप कर रही हूँ। गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब देख सकते हो दूध ठीक हो चुका है। अब इसे हम ठंडा करेंगे। अगर रसमलाई की मलाई ज़्यादा गर्म रही और हम इसमें ब्रेड डालेंगे तो ब्रेड टूट जाएगी। अब हम ब्रेड को राउंड शेप में कट करेंगे। आपके पास राउंड शेप में जो भी शार्प चीज़ अवेलेबल हो उससे आप राउंड शेप में कट करिए इस तरह से। अब हम ब्रेड को रसमलाई की मलाई के अंदर में डाल देंगे। अगर आप चाहे तो इसे कुछ सेकंड्स के लिए इसमें रख सकते हो, ताकि ये जो मलाई है इसकी अंदर में अच्छे से चली जाए और ब्रेड अच्छे से स्वीट हो जाए। इस तरह से इसकी साइड चेंज करने से ये जो मलाई है इसके अंदर चली जाएगी और ब्रेड स्वीट हो जाएगी। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अब हम इस तरह से एक एक ब्रेड को उठाकर सर्विंग बाउल में रखते जाएंगे। अब ये जो रसमलाई का बचा हुआ दूध है ऊपर से डाल देंगे और सेफ्रॉन डालेंगे ऊपर से, और थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे ऊपर से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में एक लाइक तो बनता ही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।